राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इस पूरे इलाके को अलर्ट मोड में रखने के निर्देश दिए। प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर बताया कि योगी ने कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 से कहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कुछ राज्यों के साथ साथ NCR के जिलों में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गौतम बुद्ध नगर में जहां 70.9 वहीं गाजियाबाद में 11 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और मौजूदा हालात को देखते हुए पूरे NCR को अलर्ट मोड में रखा गया है। बयान के मुताबिक योगी ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में संक्रमित पाए गए मरीजों के नमूनों की जीनोम सिक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें पूरी सावधानी और सतर्कता से काम करना होगा तथा इन जिलों के जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संवाद कर स्थिति की गहन समीक्षा की जाए। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में अभी 507 सक्रिय मामले मौजूद हैं। बीते 24 घंटों में 73.881 नमूनों की कोरोना जांच की गई है, जिसमें 106 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 37 मरीज कोरोना मुक्त भी हुए। प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में COVID-19 टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है और इसके तहत 30.69 करोड़ से अधिक खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि यूपी में 100% वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक हासिल हो चुकी है, जबकि 86% आबादी का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती खुराक बूस्टर डोज देने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 700 निजी टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। 12 से 14 और 15 से 17 साल के आयु वर्ग में भी टीकाकरण की दर संतोषजनक है, इसे और तेज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ITN।